राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस कार्यक्रम में इस विभाग के मंत्री, सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मंत्री, खुद भी युवा श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इस विभाग के राज्य मंत्री श्री नीतीश प्रमाणिक जी, और जो कल बहुत कठिनाई और चुनौती में जिन्होंने आपका चयन किया, हमारे सहयोगी साथी संसद में श्री मनोज तिवारी जी, इस विभाग की सचिव श्रीमती गीता राजी लोचन जी, खेल युवा की सेक्रेटरी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, यहाँ देश भर के अलग अलग राज्यों से एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा के बाद संसद के इस केंद्रीय कक्ष में पधारे मेरे सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, जिस कक्ष में आज आप बैठे हैं ये एक ऐतिहासिक कक्ष है, जहां भारत की आजादी जो हमने बड़ी कठिनाई, चुनौतियों, संघर्षों, त्याग और बलिदान के प्राप्त की, उसका साक्षी केंद्रीय कक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इसी केंद्रीय कक्ष में एक लंबी चर्चा संवाद के बाद बना, इसका साक्षी केंद्रीय कक्ष है। और उसके बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन का साक्षी ये केंद्रीय कक्ष है, और आप सबके लिए भी गर्व का विषय है कि इस केंद्रीय कक्ष में युवा सांसद प्रतियोगी के रूप में आपने अपने विचार व्यक्त किए, और जिस तरीके के विचार व्यक्त किए, जो आपका विजन है, जो आपकी वाक्पटुता है, जो आप में आत्मविश्वास है, जो आप में भारत को बदलने का, नए भारत बनाने का आपके मन में संकल्प है, सपना है, ये मैंने आज कुछ क्षण आपके बीच में देखा। और उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं, और जिन्होंने यहाँ पर प्रथम, सेकंड, थर्ड के रूप में सुश्री आस्था शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से आती है, नरेश छेत्री, जो हमारे उत्तर पूर्व सिक्किम राज्य से आते हैं, सुश्री मायरा खान, जो छत्तीसगढ़ जैसे दुर्गम इलाके से आती हैं, सबने एक अच्छे विचार और विचारों के माध्यम से भारत में बदलाव, भारत की नई तस्वीर आप सबके सामने रखी। मैं विशेष रूप से खेल युवा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश भर के अंदर 2,00,000 से ज़्यादा नौजवानों के बीच में
इस युवा संसद प्रतियोगिता को कराया और उसके विचारों को, उनके अनुभवों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो सब हिस्सा बने। बदलती भारत की तस्वीर और किस तरीके से हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए त्याग, बलिदान, कुर्बानियां, उसकी इतिहास और उसके साथ भविष्य की, नए भारत की कल्पना को उन्होंने रखा। इसके लिए मैं उन सब दूर दराज बैठे उन प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भारत है और इसीलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहते हैं। लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हमारे जीवन में, हमारी कार्यप्रणाली में, हमारे व्यवहार में कई काल से, वैदिक काल से लेकर, महाभारत के काल से लेकर और बुद्ध के कार्य का इतिहास हम देखते हैं। सभाएं, संसद और किस तरीके से उस समय भी सामूहिकता के साथ निर्णय लेना और उस निर्णय को बिना कानून के उस समाज को मानना, ये हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया रही है। और विशेष रूप से हर कालखंड के अंदर लोकतंत्र की अपनी अपनी विशेषता रही है, इसलिए लोकतंत्र की जननी भारत है। और इसीलिए हमने G20 के अंदर जिस तरीके के हमारी संस्कृति संस्कार हैं, उसी तरीके से दुनिया में हमने G20 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रखा है। हमारे विजनरी नेता, विश्व के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक हम वसुदेव कुटुंबकम, जब तक सारे विश्व को पूरा परिवार नहीं मानेंगे, हम अपने अपने देश की कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन सारे विश्व की प्रगति होगी तो अपने आप सब देश की प्रगति होगी। इसलिए विचार है और ये विचार ही आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर नई दिशा देने का काम करेगा। और इसीलिए उन्हीं विचारों के मंथन के लिए आप यहां पर आए हैं। आप जहां आजादी के पहले के इतिहास की चर्चा आप करेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों में आपने किए, आजादी के बाद भारत और फिर नए भारत, विकसित भारत का निर्माण और उसमें भारत के नौजवानों का योगदान, और ये हम परिवर्तन देख रहे हैं। ये परिवर्तन हम नौजवानों के आंखों में देख रहे हैं, उनके आत्मविश्वास, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी नए इनोवेशन की क्षमता, उनके नए बदलाव के चिंतन में हम देख रहे हैं। और ये चिंतन आता है चर्चा, संवाद से, बातचीत से। जब दूर दराज का गांव का व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसके मन में भाव रहता है कि मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश कैसा होना चाहिए। वो सामाजिक बदलाव
लाने के लिए उसकी मन की मंशा उस चर्चा संवाद में झलकती है जो मैंने यहाँ वक्ताओं में देखी। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र के अंदर चर्चा संवाद, सुवर्चित विचार, सकारात्मक विचार और लोकतंत्र के मन सकारात्मक आलोचना, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए जब हम युवा संसद अलग अलग नौजवानों में करते हैं तो इस विचार से करते हैं कि वह भारत की लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बने, वह संविधान को जाने। हमने अगर 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने अपने को एक केवल मतदाता मानकर कर्तव्य निभाया तो हम देश में परिवर्तन नहीं ला सकते। इस लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी, इस देश के बदलाव में हमारी सक्रिय भागीदारी और दुनिया के बदलाव से ज्यादा तेज बदलाव भारत में और उसमें मेरे देश के नौजवानों का योगदान। और मैं आज देख रहा हूं इन्हीं भारत के नौजवानों में भी, माननीय अनुराग जी बता रहे थे कोई समय था भारत के अंदर बेटी को पढ़ाने के लिए आंदोलन किया करते थे, बेटी की शिक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन हुआ करते थे। आज कितना परिवर्तन है, देश की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, देश का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां अग्रिम पंक्ति पर हैं, चाहे धरती पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, विज्ञान में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे प्रोफेशनल के अंदर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा की सर्विस हो, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा की सर्विस हो, हर जगह हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। ये नए बदलते भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं और इसीलिए मैं नौजवानों आपसे ये कहना चाहता हूं, इस भारत को बदलने का सबसे बड़ा योगदान हमारा है। आजादी के आंदोलन के अंदर भी, आजादी दिलाने में उस समय 18, 20 साल, 22 साल का नौजवान था और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो सामाजिक आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव आए उसमें भी युवा की भूमिका है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में नए स्टार्टअप का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो। आज मैं सिक्किम के अंदर गया, मैंने देखा अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैं सिक्किम में था, दार्जिलिंग में था, उस पहाड़ी इलाके में मैंने देखा कि वहां के नौजवान का क्या जीवन था। वो अपने गांव के अंदर शिक्षा में बदलाव चाहते थे, किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ाने, निःशुल्क पढ़ाने आते थे। उस गांव में सारे सामाजिक बदलाव की एक ताकत, ऊर्जा के साथ काम करना चाहते थे। चाहे दुर्गम पहाड़िया हो, चाहे जमीन हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, हर इलाके के अंदर अब भारत का नौजवान नया इनोवेशन कर, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक बदलाव के अंदर हो, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी वहां के आर्थिक सामाजिक बदलाव में भारत के नौजवानों की भूमिका है। इतनी सामर्थ्य और शक्ति आप में है और इस सामर्थ्य शक्ति की ऊर्जा आप आज यहां से लेकर जाएंगे, जब यहां पर देखेंगे
कि कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर इस देश को आज़ादी दिलाई। अब हमारा योगदान क्या होना चाहिए, इस विचार के साथ, इस सुविचरित विचार के साथ आपको जाना है कि मुझे मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर बदलाव की ताकत मुझे खड़े करनी है। जो ऊर्जा, जो सामर्थ्य हमारे में है, जो सोचने, चिंतन, नए करने की ताकत हम में है, उसका उपयोग मुझे इसी उम्र में करना है, बदलाव अभी लाना है। भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 में है, लेकिन इस सपने को मुझे जल्दी करना है। इस संकल्प के साथ आप केंद्रीय कक्ष यहां से जाएंगे और हर क्षेत्र के अंदर, सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, गांव में बदलाव का क्षेत्र हो, आर्थिक परिवर्तन के नए युग का हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम सामाजिक आर्थिक बदलाव में भूमिका हो, यह हमें तय करना है। और इसलिए आप देख रहे होंगे हमारे अनुराग जी कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, 4 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब इस नौजवान की सोच के लोग भारत में आएंगे और इस विचार से आएंगे कि मुझे मेरे भारत को बनाना है, मेरा केवल अधिकार नहीं, मेरा दायित्व है और यह दायित्व मुझे निभाना है, मेरा भी कोई ना कोई कर्तव्य है, इस मन भाव के संस्कारों से आपको यहां पर जाना है और नए विकसित भारत बनाने में हमारी भूमिका हो और देश के और नौजवान आपकी इस सुविचरित विचारों से प्रेरणा लेकर नए भारत के निर्माण में जुटें। जब भारत का सब नौजवान इस विचार से चलेगा, इस मंथन से चलेगा, इस चिंतन से चलेगा, तो निश्चित बदलाव आएगा और बदलाव आपको ही करना है। यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।